पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय गोठियाल ने जनता को आश्वासन दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कराने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में हमारे सरकार के आते ही केजरीवाल की तरह हमारा प्रदेश भी एक मॉडल के रूप में पूरे भारत में पहचाना जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार आने से उत्तराखंड की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो चुकी है। शिक्षित इस बार बेरोजगार हो चुके हैं और दर दर भटक रहे हैं। रोजगार के लिए भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को जरूरत है कि उनकी सरकार में बदलाव हो और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस बदलाव को करना चाहती है और लोगों को राहत पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। मालूम हो कि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से ये पद काफी दिनों से खाली चल रहा था। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने में काफी दिन से माथापच्ची भी चल रही थी। बता दें कि प्रीतम सिंह पांच बार से लगातार चकराता विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि मैं सभी कांग्रेस साथियों का शुक्रगुजार हूँ। अब जो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसका बखूबी से पालन करूंगा। तो देहरादून से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रीतम सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की मौत के बाद से ये पद काफी दिनों से खाली चल रहा था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के नाम सामने आए, जिसके बाद आखिरकार प्रीतम सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, जिसके बाद कार्यभार संभाल लिया है प्रीतम सिंह ने। और कार्यभार संभालते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि आगामी चुनाव में वह कांग्रेस को जीत दर्ज करवाएंगे। यूपीएससी ने गढ़वाल के श्रीनगर में प्रथम बार आयोग की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र चयनित कर लिए हैं। इस बार परीक्षाएं आगामी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होनी है। डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों व अन्य अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार पौड़ी में परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक के बाद डीएम और आयोग के पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने मुख्य कोषागार पौड़ी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने परीक्षा से जुड़ी चीजों को लेकर रखने वाले सभी सुरक्षा नियमों का जायजा लिया है। तो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पौड़ी में इस बार यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों का चयन किया है। पहली बार परीक्षा केंद्र के चयन होने के बाद से प्रशासन की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर डीएम ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां उनसे साझा की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण 90 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके लिए वह सैनिकों के घर जाकर उनके घर की मिट्टी एकत्रित कर सैन्य धाम की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश वीरों की भूमि रही है और यहां हर परिवार का सदस्य सेना में सेवाएं दे रहा है। मसूरी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें करोड़ों की लागत से बन रहे सैन्य धाम के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सैन्य धाम के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है और करीब 90 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। वहीं बात करें तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सैनिकों के घर घर जाकर उनके घर की मिट्टी को एकत्रित किया जाएगा और सैन्य धाम की नींव रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की तारीफ करते हुए बताया कि उत्तराखंड की भूमि हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है और यहां हर परिवार का सदस्य सेना में सेवाएं दे रहा है। देहरादून में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हो, ग्रेड पे, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण जैसी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली की सप्लाई पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है।
तो देहरादून में इस वक्त 14 सूत्रीय मांगों पर विद्युत विभाग के कर्मचारी अड़े हुए हैं, जिसको लेकर इस वक्त विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं। उनकी साफ तौर पर सरकार से मांग है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता वह कार्य वापसी नहीं करेंगे। वहीं जब से कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई है तब से बिजली की सप्लाई में खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पहली बार प्री वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार प्री वॉलीबॉल लीग का आयोजन बाबा स्पोर्ट्स अकादमी करने जा रही है। यह आयोजन 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है। इस दौरान करीब 20 मैच इसमें होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में अधिकतर मैचों का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां प्री वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जानकारियां साझा की गई। और इस खेलों का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गम इलाकों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, और इसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से प्री वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें कि अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। फिलहाल इसकी एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की जा चुकी है। वहीं इसकी जानकारी दी गई कि बाबा स्पोर्ट्स अकादमी इस आयोजन को कराने जा रही है, जो 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है। वहीं जानकारी दी गई कि इस पूरे कार्यक्रम में करीब 20 मैच होने वाले हैं और सभी मैच पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। इसमें वैसे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलेंगे, और ये सौभाग्य होगा कि 2015 के बाद हमने इसको जो करा रहे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स कोटे से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एक उनका खेल के प्रति रुझान होने की वजह से जो आजकल लोग गलत उसमें परंपराओं में पड़ रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इसके बिल्कुल वो एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल के, तो प्रतिभाओं को निखारने के लिए उत्तराखंड में उनका नाम पैदा हो, ये हमारा एक प्लान है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा और उत्तराखंड की जो विभूतियाँ हैं उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इसमें एक बहुत आकर्षक चीज़ है, जो टीम जीतेगी और अगर वो निरंतर 3 सालों तक जीतती है, आगे भी जब हम ये कराएंगे इस तरह की लीग, तो उनको 3 साल बाद बहुत अच्छे पुरस्कारों से नवाजा जाए। शौर्य और पराक्रम का उत्सव कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद पार्क में डीएम स्वाति एस भदौरिया सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और शहीदों की वीरांगनाओं ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कारगिल अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद किया। आपको बता दें कि बीते दिन कारगिल दिवस था, जिसके बाद चमोली में भी इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया। साथ ही जितने भी शहीद थे उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वैसे आज विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सदा नमन करती हूँ, सदा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिला मुख्यालय पे यहाँ पे कई लोग शहीद हुए हैं कारगिल में और अन्य में भी हैं, प्रथम विश्व युद्ध में, श्रीलंका में, और मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार से लोगों को याद किया, शहीदों को याद किया जाए, नमन। और कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जवानों ने अपने शहादत दी थी और हमारे प्रदेश के 75 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए थे, हमारे जिले के इसमें 11 जवान शहीद। रुड़की में डॉक्टरों की शर्मनाक हरकत सामने आई, जहां चर्चित विनय विशाल अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। और इसकी वजह यह है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज का इलाज किया, लेकिन इलाज के बाद भी मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज के मरने की जानकारी डॉक्टरों ने परिजनों को नहीं दी। इसी बीच मृतक के परिजनों से इलाज के नाम पर पैसों की वसूली भी की जाती रही। इसके बाद अस्पताल में परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट भी दिया, जिसमें टाइमिंग काफी पहले की लिखी हुई थी। इस पर मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया।
तो रुड़की से ये पूरा मामला सामने आया जहां डॉक्टरों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। आपको बता दें कि इस वक्त चर्चित विनय अस्पताल सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। कारण है कि अस्पताल में एक मरीज भर्ती था जिसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी। डॉक्टर उसका लगातार इलाज कर रहे थे, वहीं इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। बावजूद इसके मरीज के परिजनों को मरीज के मरने की खबर नहीं दी गई। डॉक्टर लगातार झूठे इलाज के नाम पर पैसे वसूलते रहे। वहीं जब मरीज के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट थमाया गया तो उसमें टाइमिंग काफी दिन पहले की दिखाई दी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हमारे एक मरीज था, विनय नर्सिंग होम में भर्ती किया था और उसके जो डॉक्टरों की लापरवाही कारण उसका जो मृत्यु होगी, और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 2-9 बजे करीब, और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी एक चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिखा कि गलती होगी हमारे से कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। उसके अंदर यह सबसे पहली बात यह है कि कोरोना टेस्ट न करना चाहिए था, कोरोना टेस्ट भी नहीं किया और जो है उसके बाद लापरवाही करते रहे। मृत्यु हमारे मरीज की हो गई थी 5:55, उसके बाद भी इलाज करते रहे। फिर उसके बाद जो हमने 3 बजे ही 1200 रुपये इमरजेंसी चार्ज दिया था और वो भी हमें जो है 7 बजे लिया गया हमारे तरफ। 24 तारीख में हमारे पास एक मरीज आया था सुबह 3 बजे, जिसका नाम सतीश था, पुत्र श्री सुखपाल। इनका आरोप ये लगाया गया है कि हमने उन्हें 5:54 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं, उसके जो फॉर्म होता है उस पे सिग्नेचर्स हैं। ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजाजी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में बधाई मांगने आए किन्नरों ने महिला के सोने के सामान को लूट लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला बबली का कहना है कि उसने पहले ही अपने घर में नए बधाई राशि किन्नरों को दे दी थी। आपको बता दें कि इसके बावजूद किन्नर फिर से वापस घर में घुस गए और जबरन महिला के सोने के सामान को लूट ले गए। आनंद फानन में महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया जहां किन्नरों पर इस वक्त लूट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि उसका नया घर बना था, जिस पर किन्नर उसके घर पर बधाई लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं मना करने के बावजूद भी किन्नर उनके घर में घुस गए और उसके बाद महिला के सोने के सामान में उन्होंने लूट कर ली और लूट कर सोने का सामान वो अपने साथ लेकर चल गए। वहीं तत्काल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया जहां पर किन्नरों पर इस वक्त लूट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि एक महिला ने किन्नरों पर सामान लूटने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस में मामला शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसने एक नया घर बनवाया था, जिसके लिए बधाई राशि लेने के लिए उसके घर पर किन्नर पहुंचे हुए थे। एक बार पहले भी किन्नर उसके घर पर इस तरीके से बधाई राशि लेने पहुंचे थे, जिसके बाद महिला ने उन्हें बधाई राशि दे दी थी। बावजूद इसके एक बार फिर से किन्नर उसके घर में घुस गए। वहीं जब महिला ने उनसे रोक टोक की तो महिला के घर में रखे हुए सोने के सामान को किन्नर उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं तत्काल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का मुआयना किया और फिलहाल मामले में तफ्तीश की जा रही है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।